Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Jio Foundation. Dear student, in the previous session we are discussing about the solution of linear equation. So in the solution topic we have discussed the solution for a linear equation in one variable, and then we have discussed solution of a linear equation in two variables. In today's session, we will discuss about the solution of a pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables, we can say, or simultaneous linear equation in two variables, we can say, or system of linear equation in two variables, we can say. Okay. So languages can be changed by the examiner. मेरे प्यारे बच्चों, solution of a linear equation in two variables, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम लोग के जनरल फॉर्म क्या था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए वन बी वन एंड ए टू बी टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो इसमें मैंने लिखा है अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ गिवन पेयर ऑफ, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मीन्स एक्स एंड वाई के वैल्यू तो हम लोग इनको पेयर में लेंगे, है ना. तो अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तब जो हम कहेंगे कि वो उस गिवन इक्वेशन गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन है. चलिए अब इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, ठीक है. मैं सिंपल ले रहा हूँ, ठीक है. आप घर पे जो है कुछ और इक्वेशन लेकर के उसमें पुट करके देखिएगा, आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल वहां पे क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सिंपल एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं. तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पे टू, ठीक है. एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर है और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू है, दो इक्वेशन है, दोनों में वेरिएबल सेम है. अब बच्चे बताओ कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो इसका सॉल्यूशन निकालना है तो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसी को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, वे विल पुट हियर एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू वन, ठीक है. एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इक्वल्स टू वन, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देन वी कैन से दिस वैल्यू इज the solution of the given equation. So let's verify. Okay. So in the first equation we have x plus y equals to 4. Now we have taken x equals to 3 and y equals to 1. So 3 plus 1 equals to 4. So in the LHS we have got 4 and in the RHS we have also 4. So LHS equals to RHS we have got, right? So the first equation in two variables is satisfied. तो पहला equation तो satisfy कर गया. अब second equation पे आते हैं. तो second equation में 3 minus 1 equals to 2. So in the LHS, in the LHS we have got 2 and in the RHS we have also 2. So we can say LHS equals to RHS we have also got in the second equation. So we can say this both pair of values of variable is satisfying this given equation. ये जो value दोनों variable की जो value है ये दोनों equation को satisfy कर रहा है. So we can say x equals to 3 and y equals to 1 is the solution of this system of equation. Got it? So I hope बच्चों आपको कोई चीज समझ में आया. If you have any types of doubts and questions then you can tell me or you can give the comment section. Okay. So, रिस्पॉन्स उनको बिल्कुल कीजिएगा. अब देखो बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स जो हम लोग समझेंगे वो देखेंगे. अब पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट लाइज ऑन लाइंस और स्ट्रेट लाइंस. मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, वहां पे हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशंस जब निकाल रहे थे तो एक लाइन जो है वो हम लोग को ड्रॉ करना,
दैट मींस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन है वो हमें जब हम उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे तो हमें जो है वो एक लाइन मिलेगा, ठीक है। और लाइन तभी मिलेगा जब हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो है वो आपको पॉइंट चाहिए, और पॉइंट चाहिए उसमें आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग में वो पॉइंट चाहिए, दैट मींस ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स के भी होंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स के भी होंगे, तो मींस टू वेरिएबल्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे दो वेरिएबल्स मैंने लिया था और इन दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली एक्स और वाई की वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट है, फिट हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे फर्दर जो नोट लिखा गया है, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट, मींस वी कैन राइट दिस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एज अ पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे ये लिख सकता, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए थ्री एंड वन, राइट, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है, तो थ्री वन हो गए एज अ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट लाइज ऑन लाइन्स। अब ये जो पॉइंट होगा बच्चे, ये जो पॉइंट होगा वो उस लाइन पे लाई करेगा, मींस इनकी, अब ये देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो इसका एक अलग जो ग्राफ बनेगा, तो एक्स का एक अलग स्ट्रेट लाइन आएगा। अब सेकेंड इक्वेशन है, इनका भी हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनका भी एक अलग स्ट्रेट लाइन, मींस दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है ये आपका दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि तभी तो सोल्यूशन है ना, ये दोनों को सेटिस्फाई करा, यानी कहने का मतलब दोनों पे लाई करेगा। तो यही चीज यहाँ पे फर्स्ट नोट पे लिखा गया, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट लाइज ऑन लाइन्स, और लाइन्स यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन्स होंगे, मीन्स ये जो आपका पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होगा वो लाइन्स पे लाई करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो सेकंड नोट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द पॉइंट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मींस अब वही सेम चीज है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो भी सोल्यूशन हम लोग का निकलता है, जो भी सोल्यूशन हम लोग का निकलता है वो सोल्यूशन जो है वो उस ग्राफ पे लाई करता है, मीन्स हम लोग जो है इनका ग्राफ प्लॉट किए हैं तो इनका जो सॉल्यूशन है वो उस पे लाई करेगा, मीन्स इसका ग्राफ क्या आएगा, लाइन आएगा, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो उस पे लाई करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट, देखिए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का प्रत्येक जो सॉल्यूशन होगा वो एक पॉइंट होगा और वो जो पॉइंट है उसके ग्राफ पे लाई करेगा, ठीक है, क्लियर। थर्ड में आते हैं, ग्राफिकली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन। अब जो है किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन आपको प्रोवाइड करता है, तो ये कोई नया बात तो है नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन में, जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका जो लेक्चर है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बच्चे फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीजों इनको ही आपको समझना है मैंने, ज्योमेट्रिकली। देखो बच्चे बोर्ड में जो है दो तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे और बोलेगा कि फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड जो टाइप का क्वेश्चन आता है आपको स्टेटमेंट बेस्ड में दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन, और उसको सबसे पहले क्या करना होगा, और बोलेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ग्राफिकली। तो दो तरह के क्वेश्चन से आपको उठाए जाते हैं, तो जो सेकेंड जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, तो पहले आप इक्वेशन को क्या करोगे, फॉर्म करोगे, और इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद जो है आप उनका ग्राफिकली प्लॉट करोगे, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जो दोनों इक्वेशंस हैं, जो दोनों इक्वेशंस हैं हम उनको जो है वो ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ओके। चलिए तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बच्चे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ज्योमेट्रिकली मीन दैट,
किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो टू स्टेटमेंट्स टेकन टुगेदर। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर, इससे ऊपर वाले जो मैंने डिस्कशन किए मैंने अभी वही किया कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हुआ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ज्योमेट्रिकली मीन टू स्ट्रेट लाइंस टेकन टुगेदर। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि दो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक प्लेन में लाई करेगा, मींस टू स्ट्रेट लाइंस आर लाइंग इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में दो स्ट्रेट लाइंस लाई करेंगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट, अब किसके पॉइंट, तो इनके पॉइंट, जो लाइंस के पॉइंट होंगे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल डिनोट अ सॉल्यूशन ऑफ इट। मींस व्हाट, जो बच्चे अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लीनियर इक्वेशन ऐसे बना, सॉरी एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस टाइप का बना और एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो ये जो आपका दोनों है उसमें ये देख क्या रहे हैं कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होगा इन दोनों इक्वेशन के लिए, इन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सॉल्यूशन होगा। सो द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, गॉट इट। मैं फिर से यहां पे इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल ज्योमेट्रिकली मीन दैट, इसका मतलब क्या होगा, टू स्ट्रेट लाइंस टेकन टुगेदर, दो स्ट्रेट लाइन को हमको एक साथ लेना है और उनके कोऑर्डिनेट्स मींस उनके पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो ही आपका क्या करेगा, सॉल्यूशन को डिनोट करेगा। मींस इनके इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताएंगे, इनके सॉल्यूशन। जैसे मैं ये जो है आपका ये दोनों इक्वेशन है तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 पे क्या किया होगा, इंटरसेक्ट किया होगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3 हो गई होगी, ठीक है। ऐसे मैंने ये जो है आपका ये जो है सपोज मानो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया होगा, 3 1, पॉइंट क्या होगा, 3 1। तो 3 और 1 यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वही इस इक्वेशन में क्या बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू पेयर ऑफ लाइंस विल डिनोट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, एनी क्वेश्चन? नो। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चे एक चीज और कि जब इसमें दो लाइंस हैं तो दो लाइंस हैं तो पॉसिबिलिटीज जो है वो अलग अलग तरह के बनते हैं। पॉसिबिलिटी क्या बनते हैं कि दो लाइंस कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा जो है वो आपका इंटरसेक्ट ही करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरसेक्ट ही करेगा। हो सकता है कि जो दो लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो दो लाइन जो हो सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज है बच्चे बनते हैं यहाँ पे, और इन थ्री पॉसिबिलिटीज के आधार पे जो है हम उनके क्राइटेरिया भी देखेंगे कि सॉल्यूशंस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। क्योंकि अगर पैरल होते हैं तो पैरल होते हैं तो आपको तो इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं, और इंटरसेक्शन पॉइंट जब मिलेगा नहीं तो उसका सॉल्यूशन आपको पता लगाना मुश्किल है, तो पता सॉल्यूशन उसका निकल नहीं पाएगा। अब जब दोनों जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों ओवरलैप का मतलब क्या होगा, तो आपका एग्जैक्टली जो है वो सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने सुनते तो कई सारे पॉइंट्स हो जाएंगे सॉल्यूशन के। तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज है जिनसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है, उनके कुछ क्राइटेरिया है। फिर हम लोग जो है वो नेचर ऑफ सिस्टम भी देखेंगे कि अगर जो है दो लाइन इस टाइप के हैं तो उनके सॉल्यूशन के नेचर क्या। स्टूडेंट, वी हैव द थ्री पॉसिबिलिटीज इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो बच्चे हमें ग्राफ जो है सबसे पहले कैसे प्लॉट करना है, सबसे पहले मैं उसका जो स्टेप्स है वो बता देता हूँ। स्टेप्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मीन्स जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे उन दोनों को जो है हमें एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। वी विल प्लॉट दिस टू लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर और ऑन द सेम स्क्रीन। मीन्स हमें सेम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, जो भी स्ट्रेट लाइन दोनों का आएगा उन दोनों का स्ट्रेट लाइन जो है हमें
सेम ग्राफ पेपर पे और सेम स्केल पे, मीन उसी स्केल पे। ये नहीं कि हाँ एक ग्राफ पे हम लोग जो है वो प्लॉट कर दिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का और दूसरे ग्राफ पे प्लॉट कर दिए सेकंड लीनियर इक्वेशन का। तो ये चीज जो है बहुत ही आसान है, बस आपको एक क्लैरिफाई करने कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ सकें। ठीक है, वैसे समझ आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। अब बच्चे देखो थ्री पॉसिबिलिटीज क्या है कि इफ टू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग ए प्लेन, अगर जो है वो दो लाइंस एक प्लेन में है तो पॉसिबिलिटी वो ऑब्वियसली तीन बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ नया बात तो है नहीं इसमें, तो टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू है रिवर्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो है वो ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, हम ग्राफ का सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो भी हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इक्वेशन जो इस टाइप का होगा, पहला लाइन इस टाइप का आएगा एंड सेकेंड लाइन है वो इस टाइप का आएगा। तो ये जो है वो लाइन क्या हुए हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, और मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे यही जो है वो इनका सॉल्यूशन होगा, मीन सॉल्यूशन जो है वो हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन विल डिनोट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब जो है दो लाइन जब एक प्लेन में है तो हो सकता है इट मे बी और दे मे बी पैरेलल टू ईच अदर। अब दो लाइंस है तो हो सकता है कि आपका वो दोनों पैरेलल हो जाए एक दूसरे के। तो देखो यहाँ पे पैरेलल का जो कंडीशन होगा, मैं जो ग्राफ जो बनेगा, आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ जो है वो किस टाइप का होगा, तो पहला जो लाइन होगा वो इस टाइप का आ जाएगा, या हो सकता है जो सेकंड लाइन होगा वो इस टाइप का है। ओनली वन पॉइंट इज कॉमन सो वी हैव गॉट दिस सॉल्यूशन। इन दैट केस, इन दिस केस वी डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट, सो व्हाट विल हैपन, देयर इज नो एनी सॉल्यूशन। इस केस में आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो बच्चे जो थर्ड केस है उसको समझिएगा। थर्ड केस, टू लाइन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स विल बी कॉइंसाइड। अब थर्ड केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि टू लाइन इन अ प्लेन देन दे मे बी कॉइंसाइड विद ईच अदर। फर्स्ट केस इंटरसेक्ट, सेकेंड केस पैरेलल एंड थर्ड केस कॉइंसाइड। कॉइंसाइड मींस व्हाट, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रहे हैं। तो बच्चे इस केस में जो कॉइंसाइड का जो केस आया है, कॉइंसाइड का जो केस आया है जो ओवरलैप ईच अदर, तो इस केस में आपको ग्राफ जो है किस टाइप का बनेगा। अभी तक कुछ देर के बाद जो है आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा इक्वेशन के तौर पे कि जब ये इस टाइप के केस होंगे, इस टाइप के केस होंगे तो इक्वेशन आपको किस टाइप का होगा, जब इस टाइप के केस होंगे तो इक्वेशन आपका किस टाइप का होगा, और जब ये वाला केस आएगा तो इक्वेशन किस टाइप का होगा। ठीक है, और बच्चों आप बिल्कुल जो टेंशन मत लेना, क्योंकि एक मेथड है जिसमें हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है वो, कि हम लोग जो है उनको देखते ही बता सकते हैं कि किसमें किनके लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, किसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, और किसमें जो है वो आपके कॉइंसाइड वाले केस आएंगे, किसमें पैरेलल वाले केस आएंगे, किसमें इंटरसेक्टिंग वाला केस आएगा, और किसमें आपके कॉइंसाइड वाले केस आएंगे। तो इसमें देखिएगा थोड़ा कि लाइन जो है वो किस टाइप का होगा। सपोज जो है वो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस टाइप का होगा, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आपका इसी पे लाइक कर जाएगा, ठीक है, इसी पे लाइक कर जाएगा। दैट मीन दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है, जो भी पॉइंट हम लोग को आ रहे थे वो सारा जो पॉइंट है वो आपका इसी पे लाइक कर रहा है, दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए जो है वो आपका इसी पे लाइक कर रहा है, तब हम कहेंगे कि ओवरलैप कर रहा है। तो बच्चे इसमें जो है वो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन इन दिस टू लाइंस, बिटवीन दिस टू लाइंस, सो व्हाट विल यू से, व्हाट यू से, तो बच्चे कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों लाइंस में कॉमन है। तो अब चीजों को समझिएगा कि इन दिस केस इंटर इंटरसेक्टिंग लाइंस देन ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट, इफ टू लाइंस आर कॉइंसाइड देन देयर इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन। सो वी कैन से, इन दैट केस, इन द इंटरसेक्टिंग केस,
दिस विल कैरी यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसमें आपकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं। क्यों सॉल्यूशन क्यों नहीं है, मैं आपको पहले ही जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब मैं बता चुका हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल डिनोट एज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल डिनोट एज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब यहां पे एक बार इंटरसेक्शन हुआ है तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, मीन्स वन सॉल्यूशन यहां पे होगा, दैट इज वन सॉल्यूशन, वन कॉमन पॉइंट वन सॉल्यूशन, वन कॉमन पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट नो सॉल्यूशन, मेनी कॉमन पॉइंट मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पे जो आंसर होगा इसका मेनी सॉल्यूशन का हो जाएगा बच्चे, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और वी कैन से अनलिमिटेड सॉल्यूशन, अनलिमिटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब जो है मैं आपको इक्वेशंस के थ्रू बताता हूं, ग्राफ तो प्लॉट करोगे, मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है बच्चे। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट रहेगा तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे हिंट कर दोगे, प्लीज हिंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से उस पर जो है उस पर मैं गो थ्रू हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगा तो बिल्कुल भी आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो मैं समझता हूं कि आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे, इस पे से मैं यहां पे आगे बढ़ रहा हूं। तो बच्चे यहां पे क्या है कि मैंने कहा कि मैं आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट भी बता दूंगा कि हम किस टाइप के होंगे। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू, तो इसमें जो है वो क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन आया है, मीन्स इसमें आपके जो है वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ वो आपका इस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले में मिलेगा। ये जब भी इस टाइप के जब भी इक्वेशन होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, इंटरसेक्टिंग का मतलब वो वन पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स वन कॉमन पॉइंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अब लोग आते हैं थोड़ा इससे, अब सपोज मान लो कि हमारे पास जो इक्वेशन आया एक्स प्लस टू बाई इक्वल्स टू एट, एक्स प्लस टू बाई इक्वल्स टू एट। अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो रहेगा वो टू एक्स प्लस फोर आई इक्वल्स टू ट्वेल्व। ठीक है, टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व। तो जो पैरल वाले केस होंगे, पैरल वाले केस में आपको जो इक्वेशन देखने को मिलेगा वो इस तरह के फॉर्मेट पे रहेंगे। आप बिल्कुल जो है वो अपने घर पे चीजों को एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा बच्चे, इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप चीजों को समझिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कीजिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे पैरेलल वाले केस में। ठीक है, आखिर किस तरह से मैं लिख रहा हूं इसके जो रीजन है वो आपको रीजन आगे मिलेंगे। अब इसमें जो मैं देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इस केस में जो साइड वाला केस होगा वो किस तरह का होगा, तो थ्री एक्स प्लस टू बाई एट इक्वल टू फोर दिया हुआ है। तो यहां पे जो लगेंगे वो सिक्स एक्स प्लस फोर बाई इज इक्वल टू एट, सिक्स एक्स प्लस फोर बाई इज इक्वल टू एट। मीन्स आप देख पा रहे हो कुछ चीज जो है वो आप समझ पा रहे हो कि इस जो सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास इसमें आपका टू कॉमन है। अब टू कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, जब हम दोनों टू को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो यहां पे आपका जो एक्स प्लस टू बाई फर्स्ट इक्वेशन में वो हमें सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको सिक्स मिलेगा, यहाँ पे एट है, यहाँ पे सिक्स मिलेगा। चीजों को आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि आप क्लैरिफाई कर पा रहे हो कि हाँ आखिर क्या जो है वो अंतर रहा है। अब इसमें आप देखो बच्चे की थ्री प्लस टू बाई प्लस फोर है और जो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है सिक्स एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू एट है, तो इसमें भी आपका दोनों तरफ टू कॉमन है, टेक्निक भी रिमूव टू देन वी कैन देन वी हैव गॉट थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर। तो इस केस में क्या हुआ है कि आपके दोनों तरफ सेम हो गए हैं, मीन्स एक्स की कोफिशियंट दोनों में सेम है, वाई की कोफिशियंट दोनों में सेम है और कॉन्सेप्ट भी मेरा सेम हो गया है। तो आप सर आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्या जो है वो इसके पीछे रीजन है कि ये आपका कोइंसिडेंट हो गया है, मींस कोइंसाइड कर गया है, इसके पीछे क्या है कि पैरेलल हो गया और इसके पीछे क्या। नाउ वी कम टू द डियरेस्ट फ्रेंड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज द माइंड मैप ऑफ दिस टॉपिक।
फिर अब देखिए इक्वेशन बच्चों यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 जहाँ पे a1 b2 b2 c1 c2 ये सब जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं राइट। तो देखिए दो कंडीशंस हैं, अगर दो लाइन जो है किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनके दो कंडीशंस हैं कि सॉल्यूशंस क्या दिखाते हैं। तो दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दो तरह के उनके नेचर हो सकते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट का नेचर और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ये आपके ग्राफिकल सॉल्यूशन में आ रहा है ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंट के नेचर और ये है इनकंसिस्टेंट ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि विच हैविंग सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ विच हैविंग सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट जस्ट उसके अपोजिट है विच डू नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन। तो जिसके पास सॉल्यूशन नहीं होता है उनको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिनके पास सॉल्यूशन होता है उनके पास उनको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। अब बच्चे देखो कि जब हम लोग यहाँ पे पढ़ने की है कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन जब हम लोग कितने मिल रहे थे, तो सॉल्यूशन में जो है वो हम लोग को या तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है या तो उससे ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो एक सॉल्यूशन या ज्यादा सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन जब मिलेगा बच्चों तो देखो यहाँ पे दो कैटेगरी मैंने बना दी, यूनिक सॉल्यूशन की और एक आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की ठीक है। यानी अगर यूनिक सॉल्यूशन भी होगा तो हम उस समय कंसिस्टेंट कहेंगे, या तो फिर मेनी सॉल्यूशन होगा तो उस समय भी उसको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन ही कहेंगे। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या है, तो कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि यूनिक भी होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होगा। अब देखो बच्चे कि यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिल रहा था, जब लाइन जब इंटरसेक्टिंग थी, और मेनी सॉल्यूशंस कब मिल रहे थे, जब उन लोगों की लाइन कोइंसिडेंस ठीक है। तो कोइंसिडेंस लाइंस में कंडीशन जो है बच्चे या इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये है, मैंने कहा था कि आप आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप कैसे पहचान पाओगे कि भाई इनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, इनका ग्राफ जो है वो पैरेलल होगा, इनका ग्राफ जो है वो आपका कोइंसिडेंट होगा, कैसे पहचान पाओगे। तो दैट इज द शॉर्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन डील विद द क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तब होगा जब उनके रेशियो किसके रेशियो, तो A1 और A2 के रेशियो और B1 और B2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होगा, तो उस समय जो उनका ग्राफ जो होगा मीन्स उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में आएंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स बच्चे किसी एक ही लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, किसी एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा तो उसके एक सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। अब बच्चे कोइंसिडेंट लाइन्स का मिनी सॉल्यूशन कब होंगे, तो जब इन तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा, मीन्स जो रियल नंबर के रेशियोज हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड अ कांस्टेंट शुड बी इक्वल। अगर जब इक्वल आते हैं तब हम कहेंगे कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपके मेनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसका वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। कोइंसिडेंट इसका मतलब तो मैंने क्या बताया बच्चों, विच हैविंग मेनी कॉमन पॉइंट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मेरे प्यार बच्चों इनका आप नोट्स कॉपी जो है वो बना सकते हो ठीक है, अपने पेन एंड पेपर लेकर के, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है पेन एंड पेपर लेकर के बैठो। तो a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2, तो ये कॉन्सिडेंट लाइन के कंडीशन है। कॉन्सिडेंट लाइन बच्चों एक और कहलाता है कि इनको जो है हम लोग डिपेंडेंट सॉल्यूशन कहते हैं, या इनके अंदर जो इक्वेशंस जो भी इक्वेशंस रहेंगे कॉन्सिडेंट लाइन्स में जो भी आपके इक्वेशंस रहते हैं उनको हम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आएगा वो डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा और जो इक्वेशन रहेगा उनको हम डिपेंडेंट इक्वेशन कहेंगे। अब बच्चों अब आपको यह समझना है कि डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है ठीक है। अब आपको समझना है कि डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, मैं पहले ये कैटेगरी कंप्लीट कर ले रहा हूं, उसके बाद ये कैटेगरी पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। तो इसमें बच्चे डिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो दो लाइन्स है हमारे पास मीन दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो एक दूसरे पे क्या करेंगे डिपेंडेंट करेंगे राइट। अब इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि एक जो इक्वेशन है वो हम दूसरे के मदद से निकाल सकते हैं, दैट मींस इक्वेशंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सम स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर और बाय स्पेसिफिक नंबर ठीक है।
तो अलाइन और इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अदर इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और बाय स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट इक्वेशन। तो उनको हम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं बच्चों। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। मैंने इसकी जो है वो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है मैंने उसको ओवरव्यू दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको रिवाइज करके फिर से जो आप देख लोगे। चलिए हम लोग आते हैं इनकंसिस्टेंट वाले में। इनकंसिस्टेंट वाले में क्या है कि आपको मैंने बताया कि सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलता है। तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है कहने का मतलब क्या हुआ कि किस केस में हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो जब लाइंस पैरेलल हो, तो अगर जो है किसी प्लेन में दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो सॉल्यूशन जो है वो उनके नहीं होंगे, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका इस केस में जो कंडीशन होंगे वो आपका रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये तो दोनों इक्वल होंगे लेकिन जो कांस्टेंट का रेशियो होगा वो अनइक्वल होगा। तो ये आपको जो है वो कंडीशन है। तो मेरे ख्याल में जो आई होप आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नेचर ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आपको समझ में आया। ये जो है क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल उठाए जाते हैं चाहे वन मार्क्स में टू मार्क्स में हो, ठीक है, कि नेचर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपके यूनिक सोल्यूशन या मिनी सोल्यूशन होंगे। इसके रिवर्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सोल्यूशन होंगे, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है, अगर पैरेलल लाइन है तो कितने सोल्यूशन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि दो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा कि वेरीफाई इट हैविंग और दे हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, दे हैव इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने एग्जामिनर जो लोग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको जो है वो घर पे प्रैक्टिस करोगे और आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दोगे। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि 3x-5y+8=0 है, 3x-5y+8=0 है एंड 7x+6y-9=0 है। आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, आपको बताना है हाउ मेनी सॉल्यूशन, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चे ये रहा आपका थ्योरी एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन पेज वगैरह होगा आप प्लीज जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के इतना ही बच्चों, नेक्स्ट ऑफ टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।